एक जो भीड़ आती है वो एक भीड़ जो है एक 50-55 साल के बुजुर्ग पर अटैक करती है, हो रही है। तो मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि सरकार जो है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, लेकिन सरकार की इतनी दम और इतनी औकात नहीं है कि कोर्ट को मॉब लिंचिंग को लेकर एक कानून बनाना चाहिए, जो कानून बनाने का काम इस देश के अंदर पार्लियामेंट के पास में, पार्लियामेंट को एक सख्त कानून बनाना चाहिए और जिससे मॉब लिंचिंग की जैसी घटनाएं जो है उन पर अंकुश लग सके। क्योंकि एक और तो ये बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं और बहुत मोटा चंदा लेते हैं, ये ना हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन है, मुख्यमंत्री उस पर तो बोल नहीं पा रहा, लेकिन आप उससे गऊ पर बुलवा लो, आप मॉब लिंचिंग पर बुला लो तो बिल्कुल खाली पड़े, बिल्कुल ठलुए पड़े हुए। नीरव मोदी भी आ गया, पैदल ही चल रहा है, नीरव मोदी लंदन से पैदल आ रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? जिस दिन नीरव मोदी लंदन से पैदल यहाँ तक आ जाएगा उसी दिन सबके खाते में 15 लाख भी आ जाएंगे। 100 स्मार्ट सिटी भी बन गई, रोज रात में लोग स्मार्ट सिटी में ही चक्कर लगा रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार भी सबको मिल गया और आप भी इंटरव्यू लेने के लिए बुलेट ट्रेन से आए हैं, तो सारे मोदी जी के वादे तो पूरे हो गए। इस देश में सुरक्षित तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है जब तक भाजपा की सरकार है। आप किस तरीके से देश को और मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं और नफरत की आग के चलते देश में आग लगाने का, लेकिन अगर उन पर ताला लगेगा ना तो ताला लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी के राजकोष पर, क्योंकि बीजेपी का जो घर चलता है यानी बीजेपी की जो पार्टी चल रही है वो बीफ कंपनियों से चंदा लेने पर चल रही है। आपको क्या लगता है हिंदू सुरक्षित है? इस देश में हिंदू के ऊपर संकट मंडरा रहा है आर्थिक। आपके बच्चे पढ़ने लिखने की तो बात भूल जाइए, आपके बच्चों के हाथ में ये मोटे मोटे पत्थर, और आपके बच्चे जब पकड़े जाएंगे तो जेल में बंद होंगे, उनका करियर बर्बाद होगा, उनका फ्यूचर बर्बाद होगा, तो आप सोच लीजिए कि आपके बच्चों का फ्यूचर किस ओर जा रहा है। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें और उन सब स्लेटर हाउस पर ताले लगा दें, जो स्लेटर हाउस जो है जिनके उद्योगपति इस देश के लूट कर फरार हो गए। कि एक जो भीड़ आती है वो एक भीड़ जो है एक 50-55 साल के बुजुर्ग पर अटैक करती है, जो कि सरासर गलत है। दूसरी बात यह है कि सरकार को एक मॉब लिंचिंग को लेकर एक सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि मॉब लिंचिंग के चलते हमने देखा कि कई प्रदेशों के अंदर, कई राज्यों के अंदर कई लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा मॉब लिंचिंग के दौरान कैसे लोगों की हत्या कर दी गई, इससे पहले ट्रेन की दुर्घटना को हमने देखा, और अभी जो हाल ही ताजा जो हमने महाराष्ट्र की घटना को देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से 7-8 लड़के जो है वो मिलकर एक बुजुर्ग को, एक 55-60 साल के बुजुर्ग को मारते हैं, पीटते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि भाई उसको लेकर, बीफ को लेकर या तमाम चीजों को लेकर जो है उससे बहस कर रहे थे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर मोर का कोई शिकार नहीं करता, क्योंकि मोर इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मैं कहता हूं सारी चीजों पर अंकुश लग जाएगा अगर सरकार चाह ले तो। सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, 100 बात का एक समाधान है। इस देश में जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती हैं, वो ज्यादातर इसी बात को लेकर हो रही हैं। तो मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि सरकार जो है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, लेकिन सरकार की इतनी दम और इतनी औकात नहीं है। क्योंकि एक और तो ये बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं और बहुत मोटा चंदा लेते हैं। दूसरी ओर आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां जो है जिसमें ये दिखाया जाता है, एक चीज क्रिएट करी जाती है कि मुसलमानों की नहीं, आप सर्च करके देखिएगा कि उन बीफ कंपनियों को कौन ऑपरेट कर रहा है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूं जो बीफ कंपनियों को पूरा एक्सपोज मैंने किया था, जिसमें मैंने लोगों को बताया कि बीफ कंपनियां हैं किसकी, उनके ओनर्स कौन है, उनके मालिक कौन है। लेकिन वहीं जो इसमें मॉब लिंचिंग की जो घटना है भारत देश में वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज मैं आपको बता दूं जिस तरीके से कोर्ट के द्वारा कई राज्यों में बुलडोजर पर भी बैन लगाया गया, मैं कहता हूं कि कोर्ट को मॉब लिंचिंग को लेकर एक कानून बनाना चाहिए, जो कानून बनाने का काम इस देश के अंदर पार्लियामेंट के पास में, पार्लियामेंट को एक सख्त कानून बनाना चाहिए और जिससे मॉब लिंचिंग की जैसी घटनाएं जो है उन पर अंकुश लग सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मन से, दिमाग से जो है वो डैमेज है। लेकिन लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भावनाएं आहत हो जाती हैं किसी को, गाय को मारा जाता है, काटा जाता है, तो क्या एक बात आप मुझे बताइए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ भावनाएं आहत होती हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। भाई अगर आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दोगे तो कोई भावनाएं किसी की आहत ही नहीं होंगी। फिर आप मुझे बताइए गोवा में किसकी सरकार है, गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां क्या हो रहा है गाय के साथ आप मुझे बताइए। असम में किसकी सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है, वहां गाय को काटा जा रहा है, तो वहां भावनाएं आहत नहीं होती क्या? असम में हिंदू नहीं रह रहे, गोवा में हिंदू नहीं रह रहे, और तमाम जगह जहां बीजेपी की सरकार है वहां हिंदू नहीं रह रहे, वहां भावनाएं आहत नहीं हो रही? मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री महोदय, असल में आपको लोगों की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश के अंदर आपका काम है सिर्फ कुर्सी से प्यार करना। आपको तो तब भी फर्क नहीं पड़ता, आप हरियाणा की अगर बात कर रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हरियाणा से कई हजार बेटियां गायब हैं, लापता हैं, कि हरियाणा का मुख्यमंत्री उनका तो पता नहीं लगा पा रहा,
आप मुझे बताइए ना, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन है, मुख्यमंत्री उस पर तो बोल नहीं पा रहा, लेकिन आप उससे गऊ पर बुलवा लो, आप मॉब लिंचिंग पर बुला लो, तो बिल्कुल खाली पड़े हैं, बिल्कुल थलुए पड़े हुए हैं, कोई काम धंधा ही नहीं है इनके पास जी। लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं सख्त कानून बन रहा है, इंतजार करिए सब कुछ होगा। हाँ तो जैसे 15 लाख आ गए आपके खाते में, इंतजार करते करते 14 से अब तक इंतजार ही कर रहा हूँ। नीरव मोदी भी आ गया, पैदल ही चल रहा है, नीरव मोदी लंदन से पैदल आ रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? जिस दिन नीरव मोदी लंदन से पैदल यहाँ तक आ जाएगा, उसी दिन सबके खाते में 15 लाख भी आ जाएंगे। 100 स्मार्ट सिटी भी बन गई, रोज रात में लोग स्मार्ट सिटी में ही चक्कर लगा रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार भी सबको मिल गया, और आप भी इंटरव्यू लेने के लिए बुलेट ट्रेन से आए हैं, तो सारे मोदी जी के वादे तो पूरे हो गए, बचा क्या है? झूठ थोड़ी बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी भाई। इस देश का हर भीख मांगने वाला भीख मांगने के लिए अब हेलीकॉप्टर से जाता है, हवाई जहाज से जाता है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था ना हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा, तो इस देश में भीख मांगने वाला भी हवाई यात्रा कर रहा होगा, और इस देश में सबको जो है 15-15 लाख भी दे दिए, तो सारे वादे तो मोदी जी ने पूरे ही करें, क्या झूठ बोला मोदी ने बताइए ना। ये जो देश में क्या लगता है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, इस देश में सुरक्षित तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है जब तक भाजपा की सरकार है, आपको क्या लगता है हिंदू सुरक्षित है? इस देश में हिंदू के ऊपर संकट मंडरा रहा है आर्थिक। आप एक बात मुझे बताइए, इस देश की सबसे बड़ी आबादी का एक हिस्सा जो है वो हिंदुओं का है, सबसे ज्यादा इस देश में हिंदू रहते हैं, अगर महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ रहा है? हिंदुओं पर। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ रहा है? हिंदुओं पर। अगर पेपर लीक हो रहा है तो किसके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? हिंदुओं का। ये बात तो ये लोग समझ ही नहीं रहे। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी 3 दिन पहले 2 चीजें ट्विटर पर ट्रेंड करी थी, जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई से प्रमोट होकर आईसीसी में जाता है, उस दिन ट्विटर पर 2 चीज ट्रेंड कर रही थी। पहली चीज वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल कोलकाता ट्रेंड कर रहा था, जिसमें बच्चों के हाथ में पत्थर थे, एक फोटो वो ट्रेंड कर रही थी। दूसरी ट्विटर पर चीज जो है वो ट्रेंड कर रही थी अमित शाह का बेटा जय शाह, कांग्रेचुलेशन के साथ में। तो आप सोच लीजिए कि एक और नेताओं के बच्चे जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला, हाथ में बैट नहीं उठाया, क्रिकेट का सी नहीं पता, ये नहीं पता कि एक ओवर में गेंदें कितनी होती हैं, वो बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में बन जाता और अब बीसीसीआई से निर्विरोध चुनकर आईसीसी में पहुंच जाता है। और आपके बच्चे पढ़ने लिखने की तो बात भूल जाइए, आपके बच्चों के हाथ में ये मोटे मोटे पत्थर, और आपके बच्चे जब पकड़े जाएंगे तो जेल में बंद होंगे, उनका करियर बर्बाद होगा, उनका फ्यूचर बर्बाद होगा। तो आप सोच लीजिए कि आपके बच्चों का फ्यूचर किस ओर जा रहा है, आप किस तरीके से देश को और मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, और नफरत की आग के चलते देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता जो महाराष्ट्र हैं, विधायक हैं, कह रहे हैं कि अगर हमारी गौ माता को टच करोगे तो घर में घुस के मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। तो एक बात मुझे बताइए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं महोदय, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि गोवा में बीजेपी की सरकार है, कब घुस रहे हैं आप बताइए जरा, और कब वहां के मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं बताइए मुझे। असम में आपकी सरकार है, कब घर में घुस रहे हैं जरा ये बताइए। ऐसे लोग जो चंद वोटों के लिए, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में इलेक्शन है, हरियाणा में इलेक्शन है, दोनों जगह मॉब लिंचिंग बिल्कुल सर पर है। आप ये देखिए ना, ये महाराष्ट्र की घटना है ट्रेन वाली, ये हरियाणा की घटना है जिसमें मॉब लिंचिंग हुई है। तो एक बात आप मुझे बताइए, दोनों राज्यों में चुनाव है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में है, और मोदी में अगर मोदी जी अगर गाय को माता मानते हैं तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें, और उन सब स्लेटर हाउस पर ताले लगा दें, जो स्लेटर हाउस जो है जिनके नाम अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड है, बहुत सारी कंपनियां जो चल रही हैं, उन सब पे ताले लगा दें ना भाई, उनके ऑनर्स आपको पता चल जाएगा कौन है। लेकिन अगर उन पर ताला लगेगा ना, तो ताला लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी के राजकोष पर, क्योंकि बीजेपी का जो घर चलता है, यानी बीजेपी की जो पार्टी चल रही है, वो बीफ कंपनियों से चंदा लेने पर चल रही है, बिजनेसमैनों को डराकर धमकाकर उनसे चंदा लेकर चल रही है, सरकारी जो संस्थाएं उनका दुरुपयोग कर भाजपा की सरकार चल रही है, वरना देश में तो कुछ बचा ही नहीं है, छोड़ा ही नहीं इन्होंने, देश का जो पैसा था उसको उद्योगपति इस देश के लूट कर फरार हो गए। बीजेपी करी राष्ट्रवादी पार्टी, आप करें गौ माता के पैसों से चल रही है। नहीं, एक बात आप मुझे, तो अगर बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है तो गोवा में क्यों नहीं बैंड कर देती गौ को काटने पर, असम में क्यों नहीं बैंड कर देती गौ को काटने पर, बताइए ना आप मुझे। अगर आज आप मुझे बताइए, आप अगर लागू करेंगे कानून तो पूरे देश में लागू होगा, होगा या नहीं होगा? तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे तो पूरे भारत में कहीं गाय नहीं कटेगी भाई, कहीं भी नहीं कटेगी। बैंड तो बैंड, मोर को कौन शिकार करता है? मोर का कोई शिकार नहीं करता, क्योंकि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आप मुझे बताइए, टाइगर का कौन करता है? आप मुझे बताइए, राष्ट्रीय पशु है, इसी वजह से तो नहीं करता। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं कर रहा। अब आप कहेंगे मुसलमान, भैया कोई मुसलमान तकलीफ नहीं कर रहा, मुसलमान तो इस बात से और खुश होगा कि कम से कम हमारे ऊपर से एक आफत टली।
योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश के कि हिंदुओं से कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ वरना काटे जाओगे मारे जाओगे। नहीं तो एक बात आप मुझे बताइए, हिंदुओं को अलग कौन कर रहा है? जात पात के नाम पर, मजहब के नाम पर कौन हिंदुओं को एक कर रहा है? और दूसरी बात ये कि हम इस देश में भारतीय हैं और भारत देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमारा भाई है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इस मुल्क में, इस मिट्टी में और इस देश की सरजमी पर रहता है वो हमारा भाई है। इस देश का प्रत्येक नागरिक हमारा भाई है। और आप किसको कह रहे हैं कोने की? ये पूरा देश एक है। आप लड़कर देखिए कभी पाकिस्तान से, चाइना से, अमेरिका से, हम दिखाएंगे कि हम भारतीयों की क्या ताकत है। आपने तो हमें बांटा है हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, सिख के नाम पर, ईसाई के नाम पर, हम तो एक हैं। फिर भी हम तो एक हैं इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए हम एक हैं सर। लेकिन मोहन शर्मा, बांग्लादेश में जिस तरह के मामला हुआ, बांग्लादेश में हो या फिर पाकिस्तान हो या कहीं भी हो, अफगानिस्तान हो, कहीं भी अगर कोई बात होती है तो उस चीज को लेकर के मुसलमानों पर भड़ास निकालना, भारत के मुसलमानों पर भड़ास निकालना कैसा है? बांग्लादेश में हिंदू सेफ नहीं है तो यहाँ के मुसलमानों पे भड़ास निकाला जा रहा है। जो आए दिन जगह जगह जो मॉब लिंचिंग हो रहा है वो सब ये कहकर के निकाला जा रहा है कि बांग्लादेशी हो और बांग्लादेशी हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत तेजी से भारत में बढ़ रही है। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि कोर्ट को एक सख्त कानून बनाना चाहिए, दूसरा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं ना, अगर गाय को लेकर सबसे ज्यादा इस देश में मॉब लिंचिंग हो रही है तो मॉब लिंचिंग के ऊपर अगर आपको अंकुश लगाना है, उनको रोकना है, तो सबसे बढ़िया ये तरीका है कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो और उधर जो है पार्लियामेंट में एक सख्त कानून लेके आ जाओ मॉब लिंचिंग को लेकर। मॉब लिंचिंग पर अपने आप रोक लग जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।